हाय दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे आज मेरे पास जो एक मैसेज आया है जिसमें ये कहा है वो लड़का ने कि भाई दो आदमी सऊदी एयरपोर्ट से रिटर्न आया है इससे पहले भी एक बार एक बार मुझे बताया गया था कि पंद्रह आदमी सऊदी अरब से रिटर्न आया है जिसपे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था ताकि आप लोग होशियार हो जाए और क्यों आया है ये पूरा डिटेल बताऊंगा दोस्तों और कुछ मेरे व्यूवर का सवाल है उनका भी जवाब दूंगा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाप भाई आप ऐसा बोलते हैं आप वैसा बोलते हैं यार आदमी को सोचना चाहिए कि अगर आपने सऊदी में एक वैक्सीन लगा के गया है ठीक है वैक्सीन आपने सऊदी में लगाया है एक वैक्सीन आपने इंडिया में लगाया है तो आप इंडिया से आप अगर आ रहे हैं तो इंडिया के एयरपोर्ट पे आपको नहीं बोला जाएगा कि आप सऊदी में लगाया है एक वैक्सीन या इंडिया में लगाया है एक वैक्सीन तो नहीं जा सकते हैं ऐसा कुछ भी आपको इंडिया एयरपोर्ट पे कहीं से भी आइए मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई कहीं से भी आपको नहीं रोकेगा वहां पे आपको सिर्फ पासपोर्ट टिकट देखेगा और वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेगा ये नहीं देखेगा आप कहां लगा है असल मसला होता है सऊदी एयरपोर्ट पे। सऊदी में लोग लो आ तो जाते हैं फ्लाइट से लेकिन सऊदी एयरपोर्ट पे अगर आप वैक्सीन सऊदी में दोनों डोज नहीं लिए हैं आपको वापस कर देगा मैंने पहले भी इस बात को आप लोगों को बता दिया था कि कोई भी आदमी अगर आप सऊदी में एक वैक्सीन लगाए हैं इंडिया में एक वैक्सीन लगाए हैं तो हरगिज भी आप डायरेक्ट सऊदी आने की कोशिश ना कीजिए अब जो दो लड़का वापस गया है कल का ये न्यूज़ में बता रहा हूँ दोस्तों कल दो लड़का को वापस भेज दिया है अब उनका कितना खर्चा लगा था क्या लगा था ये तो खैर वही जाने अब उनका टोटल खसारा हो गया अब उनको ये अकल आएगा कि हम पहले कहीं से इंफॉर्मेशन ले ले पहले लोगों से बात कर ले एक वैक्सीन हमने सऊदी में लगाया और एक एक, एक वैक्सीन इंडिया में लगाया है तो सऊदी अरब ने अभी तक परमिशन नहीं दिया तो हम कैसे चले जाए ये चीज़ का पहले खबर ले ले फिर कोई सफर करे सऊदी का एक भाई है जो मुझसे पूछा है कि भाई क्या मैं दोनों वैक्सीन जो इंडिया में लगाया हूँ तो क्या मैं डायरेक्ट सऊदी आ सकता हूँ मैं उनको यही कहूँगा कि कोई भी आदमी आप ही नहीं कोई भी आदमी जो इंडिया में लगाया है वो वाया होकर आ सकते हैं चौदह दिन क्वारंटाइन होकर के आज मैं एक वीडियो बनाया था सुबह में जो मैं अपलोड किया था शायद आप लोग देखे होंगे पाँच लाख इकहत्तर हज़ार आदमी को यानी कि नौकरी छोड़ दिया है सऊदी में और ये मामूली सी बात नहीं है दोस्तों ये बहुत ही बड़े क्राइसिस के तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाला वक्त में सऊदी में भी नौकरी बाहर वाले आदमी को नहीं मिलेगा ये और बात है कि जो आदमी नौकरी कर रहा है वो खुश है चलो हमारा नौकरी लगा हुआ है हमको सैलरी मिल रहा है ये बात बिल्कुल गलत है आने वाला वक्त में हर किसी का नौकरी खतरे में आने वाला है क्योंकि सऊदी में खुद सऊदी के आदमी अब काम करेगा जिस तरह इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में लोग आ, काम करते हैं अपने देश में बाहर के देश बहुत ही बाहर के देश के लोग नहीं जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। ये चीज़ सवाल करना चाहिए लोगों को जो जब लोग वोट देते हैं नेता को उससे सवाल करना चाहिए कि भाई हम तो वोट देंगे तुमको क्या हमारा नौकरी लगेगा यहाँ या नौकरी मिलेगा अब देखिए मसला ये है कि आदमी बहुत सारे सवाल नहीं करता है नेत, नेता से इसलिए क्योंकि लगता उनको लगता है हम इसके काबिल नहीं हैं भाई आप सब काबिल हैं खाली सवाल तो कीजिए उसका पैजामा ढीला नहीं हो गया तो तो जो बोलिएगा लेकिन लोग खुद ही अपना गलती मान लेते हैं कि हम में ही कुछ कमी है तो इसलिए हम यहाँ काम नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं जो अनपढ़ है गंवार है उसका भी नौकरी है पच्चीस हजार का इंडिया के अंदर बीस से पच्चीस हजार आज के डेट में मिल जाएगा जो अनपढ़ गंवार है उनको भी लेकिन सरकार देना ही नहीं चाहते खैर इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग खुद समझदार है बात को समझ जाइएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू